सोलर एक्लिप्स। आज यानी कि 8 अप्रैल को इस वक्त रात का वक्त है और टोटल एक्लिप्स इस वक्त अपीयर हो चुका है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका वगैरह के अंदर आते हैं, जिधर ये पार्ट ऑफ टोटेलिटी विजिबल होगा। इसके अंदर हमारे पास कनाडा है, मेक्सिको है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और टोटेलिटी वो पॉइंट या वो टाइम ऑफ पॉइंट होता है जब मून जो है वो मुकम्मल तौर पर सन की लाइट को अर्थ की तरफ एक मखसूस हिस्से की तरफ आने से ब्लॉक कर देता है, कि सन पूरा का पूरा जो है वो ढक जाता है मून के शेडो के अंदर और साइडों के ऊपर कोरोना विजिबल होता है, जो उसकी एक फायर जो होता है, जो लावा उठ रहा होता है सन के कॉर्नर से, वो विजिबल होता है। ठीक है, फायर का जो स्टॉर्म्स होते हैं उठ रहे होते हैं, ठीक है, और वो कोरोना होता है जिसके कि एक रिंग सा बना होता है, रिंग ऑफ फायर। अब टोटल सोलर एक्लिप्स तब होता है जब 3 हेवनली बॉडीज़ यानी कि सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएं और मून सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए ब्लॉक कर दे, और ये अर्थ के किसी मखसूस ममालिक के अंदर ही विजिबल होगा। और ये हमारे पास मून है, जिसकी वजह से फिर हम मून अपना एक शेडो कास्ट करता है सन के ऊपर, हमें सोलर एक्लिप्स नज़र आता है। तो मून ब्लॉक सन रेज टू रीच दी अर्थ, ये है हमारे पास एक टोटल सोलर एक्लिप्स, और काफ़ी रेयर है जो इस वक्त 2024 के अंदर 8 अप्रैल को विजिबल होगा। अभी हम इसकी कुछ लाइव कवरेज देखते हैं। अच्छा, ये इस वक्त बता रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये उसका मैप है और ये हमें बता रहे हैं इसके बारे में कि टोटेलिटी जो नज़र आएगी एक लकीर हमें नज़र आई है। ठीक है, अब ये बाकायदा पूरे डेमोग्राफ के साथ हमें सारा समझा रहे हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में, और अभी जो विजिबल जब ये दिखाएंगे तब मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि उसकी जो बाकायदा इमेज हमें दिखाएंगे। हमें ये दिखा रही हैं कि ये मून है, जो उसके बाद हमारे पास यहाँ सोलर एक्लिप्स की इमेज दिखाई जा रही है, जो एक वो बना रहे हैं स्पेशल कैमराज के साथ, और ये ज़रा बड़ा करके दिखाया गया, ये अर्थ है,